हाय नमस्कार, मैं अंशिका आज वापस आ गई हूँ अपने हेयर केयर रूटीन सीरीज के सेकेंड वीडियो के साथ। और इस वीडियो में डेफिनेटली मैं आपको बताने वाली हूँ जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था बायोटिक मस्क रूट मास्क के बारे में। मैं इस मास्क को कैसे बनाती हूँ, क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स है जो मैं यूज़ करती हूँ और कितना देर मैं अपने बालों में इसको रखती हूँ ताकि बाल सिल्की, शाइनी और मजबूत हो जाए अंदर से। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इंग्रेडिएंट्स की बात करती हूँ। इंग्रेडिएंट्स की बात में सबसे पहला नंबर आता है डेफिनेटली इसका, क्योंकि दिस इज़ द बेस। ये एक मास्क है जो मैं अपने और इंग्रेडिएंट्स के साथ यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी इसमें एलोवेरा जेल पतंजलि का। आप नॉर्मल एलोवेरा भी यूज़ कर सकते हैं, ये इजी होता है, हैंडी होता है। समटाइम हमारे पास टाइम नहीं होता है कि हम एलोवेरा काटें और ये सब करें, तो उसके लिए आप नॉर्मल एलोवेरा भी यूज़ कर सकते हो और ये एलोवेरा भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैं इसमें यूज़ करूँगी कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल के लिए मैं जिस ब्रांड का कैस्टर ऑयल यूज़ कर रही हूँ वो है अरोमा मैजिक। एंड डेफिनेटली कैस्टर ऑयल बहुत अच्छा है। मार्केट में और भी कैस्टर ऑयल अवेलेबल है, यू कैन बाय द कैस्टर ऑयल ऑफ खादी ऑल्सो। एंड नॉर्मल, अगर इनकेस आपके पास कुछ भी नहीं हो रहा है, ये भी अरेंज नहीं कर पा रहे हो और खादी वाला भी नहीं है, तो नॉर्मल किसी भी मेडिकल शॉप में कैस्टर ऑयल करके एक नॉर्मल कैस्टर ऑयल आता है, वो आप ले सकते हो। और उसके बाद मैं इसमें यूज़ करूँगी अंडे, दो अंडे। आप अपने हेयर्स के हिसाब से ले सकते हो। मेरे हेयर्स लॉन्ग लेंथ है, बट स्टिल 2 egg इज सफिशियंट फॉर मी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, द वंडर थिंग दैट इज कर्ड। कर्ड यूज़ करने वाली हूँ इसमें, ये भी आपको अपने हेयर्स के अकॉर्डिंग यूज़ करना होगा। और ये सारे ही कर्ड आपको भी पता है कि एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल होता है, तो ये बहुत, जिनको डैंड्रफ की, फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए कर्ड बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है जो कि हेयर मास्क में वो यूज़ कर सकते हैं। एग्स की बात करूँ तो एग्स का तो सब जानते हैं, एग्स से बाल ग्रोथ होते हैं, एग से शाइनिंग आती है हेयर्स में, जो लोग नेचुरली हेयर शाइन करना चाहते हैं। एंड डेफिनेटली एक और चीज़ है जो एग करता है, एग हेयर स्ट्रेट करता है, एंड दैट इज़ अ ट्रुथ, क्योंकि मैंने खुद ये यूज़ किया है। डेफिनेटली अगर आप चाहते हो कि मैं वो हेयर स्ट्रेटनिंग पैक आपके साथ शेयर करूँ, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो हम बताते हैं कि मैं कैसे कैसे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स। हाँ, तो मैं अगर सबसे पहले बात करती हूँ तो ये है मेरे पास एग वाइट। मैंने इसका येलो पार्ट रिमूव कर दिया है क्योंकि येलो पार्ट से बेसिकली स्मेल आती है थोड़ी सी, तो आपके हेयर्स में से स्मेल आएगी, वो अच्छा नहीं होता है। प्लस जो शाइनिंग मेन आती है वो एग वाइट से आती है। सो आई एम टेकिंग द 2 egg whites हेयर। अब मैं स्टार्ट करती हूँ दिस सेकेंड बायोटिक के मास्क से। इसको मैं लूँगी 2 spoon। और ये भी अगर आपके हेयर्स छोटे हैं तो आप 1 spoon भी ले सकते हो। अब ये मैंने ले लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ एलोवेरा जेल। फिर मैं बात करती हूँ कैस्टर ऑयल, जो कि एक वंडर ऑयल है। ये ऑयल से बहुत ज़्यादा आपके हेयर स्मूथ रहेंगे और काफ़ी शाइनिंग भी देता है, तो हमें ये भी 1 spoon यूज़ करना है। अब बात आती है हमारे पास जो लास्ट चीज़ है, वो है कर्ड। कर्ड मैंने यहाँ पर लिया है, दिस इज़ 250 grams। एंड कर्ड तो आप यूज़ कर सकते हो ताकि आपका पूरा हेयर में, रूट्स पे प्लस पूरे हेयर लेंथ तक अच्छे से लगे, उतना कर्ड आप अपने हिसाब से ले सकते हो। तो ये मैंने कर लिया। अब इसे मुझे बहुत अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ा सा इनिशियली ये सारी चीज़ें मिक्स होने में टाइम लेंगी, बट ये बहुत जल्दी अच्छे से मिक्स हो जाता है, समथिंग लाइक दैट। और हाँ, डेफिनेटली इस हेयर मास्क को आप 30 minutes से 45 minutes तक यूज़ कर सकते हो। हल्का सा ड्राई हो जाने दो और जड़ों पे प्रॉपरली इस मास्क को लगाना, और तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसकी कंसिस्टेंसी बेसिकली ऐसी ही होनी चाहिए ऑब्वियसली, ताकि आपके रूट्स पे और हेयर्स पे स्प्रेड हो सके प्रॉपरली। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट को सब्सक्राइब करिए, एंड ये नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि आप ऐसे वीडियोज़ को मिस ना करो। एंड बिलीव इन द फिलॉसफी ऑफ लविंग योर सेल्फ।